सुबह सुबह की मस्ती है ये देख लो, हमारी कांगड़ी पहलवान पता ही नहीं चल रहा है जर्मन शेफर्ड है, और साथ में हमारी क्लोडो। कर लो शुशु, कर लो आराम से, कर लो अच्छा शुशु, कर लिया अच्छी क्वांटिटी के अंदर। और दोनों अपनी ना मस्ती मार रहे हैं पार्क के अंदर, अकेले घूम रहे हैं क्योंकि ये दोनों अब रहते हैं नीचे, और ये दोनों ना आपस में खेल भी रहे हैं। वो देखो वो ना दूर से उसको देख रही है ना। और ये देखो हमारी क्लोडो, ये देखो कांगड़ी पहलवान, वो देखो वो भागे, ये सुबह सुबह देख लो वो कैसे उसको जूमीज हुआ हुआ, ये देखो इसको आके छेड़ती है, ये देखो ये भाग गई ना, ये देखो इनको खुला स्पेस मिला हुआ है खेलने के लिए, दोनों के दोनों लगे रहते हैं आपस में। ये देखो यो हो, देख रहे हो आप दोनों के दोनों को हैं, देख रहे हो ना, ये देखो कितनी तेज भागती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या, ये देखो देख रहे हो कितनी तेज भाग रही है। और अब देख लो रोशनी देखती भी, रोशनी भी आ गई कि मैं भी खेलूंगी साथ में, और ये तीनों के तीनों आपस में खेल रहे हैं। ये लो रोशनी कह रही है मुझे भी खिलाओ साथ में, पर रोशनी का ना खेलने का मन नहीं होता, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आती है मस्ती मारते चले आती है। और देख लो यहाँ पे एंट्री हो गई दामिनी की, लो सारे के सारे ना पेड़ काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जैसे बब्जी करता ये एक्सरसाइज करके दिखा रही है। ओए होए होए क्या लचक की एक्सरसाइज, सारी स्ट्रेचिंग गाइस हमें भी ऐसे करना चाहिए। और यहाँ जोई मिल रही है उसको, कह रही है तू कहाँ थी बहुत दिन के बाद दिखी है तू बहन, बहन कह रही है रहने दे तू, तूने तो अपने बाल कटवा लिए, तू क्या मुझसे बात करेगी, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही कहीं, ठीक है। जोई देख लो कह रही है मुंह दिखाने की बात कर रही है, ऐसी एक्सरसाइज ऐसी लात मारूंगी ना तेरा काम हो जाएगा। और वो देख लो वहाँ पे हमारी क्लोडो है बिल्कुल बब्जी के स्टांस और लेडी ऑली का पूरा मिक्सचर, बैठ के आराम से जैसे ना एक मांस नहीं खाता शेर जंगल में वही। यहाँ हमारी ये दोनों की दोनों बीच में आ गई हमारी जोई गालियाँ देने की, और ये देख लो अपना कुछ लेके आ गई है साथ में। ये तो सुबह सुबह का सीन है, और इस सीन के अलावा आपका भाई रेडी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन जे एन जोई। और अभी नौमी है, सड़कों पे बहुत भीड़ है, बच्चे जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप, ये देखो सारे बच्चे जा रहे हैं, ये कंजके कलेक्ट करने जा रहे हैं घरों से। तो ये तो आज दिल्ली का हर जगह का सीन है। और यहाँ पे हमने अपने घर के पैक के दो सेंशल मेंबर्स आपस में खिलाने के लिए सुबह पार्क में छोड़ दिया। ओहो अलग ही मस्ती है इनकी, ये तो अलग ही मस्ती से चलते हैं साथ में, बीच में थोड़ी देर रोशनी आती है थोड़ी देर दामनी आती है। ये देखो ये खेल रहा, इनकी टग ऑफ वॉर हो रही है आज, एक छोटी सी हमारी रॉटवाइलर और हमारी एक साल की जर्मन शेफर्ड के अंदर ये टग ऑफ वॉर ज़्यादा नहीं, ये पकड़ पकड़ाई ज़्यादा हो गई है, दोनों आपस में खेल रही हैं। चलो चलो इधर आ जाओ बाद में करना है ये सारी चीज़ें। वो उसके ऊपर से कूद गई हो अलग ही सीन है भाई, ये अलग ही सीन है। तो क्लोई जितनी सोशलाइज नहीं हुई थी अब इतना सोशलाइज हो गई है कि ना सबके साथ खेलती है। देखिए ये दोनों आपस में फिर भी लड़ रहे हैं, और जोई जीत गई पर क्लोई हार नहीं मान रही है, क्लोई उसके पीछे पड़ी हुई है कि तू कैसे लेके चली गई है चार्ज। ये देखो ओए हो तो बहुत तगड़ा सीन चल रहा है, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ये देख रहे हो आप। ये ना छोटे दो बच्चे होते हैं ना, एडल्ट नहीं है अभी भी ये दोनों के दोनों, इनका खेलने का स्टाइल भी अलग होता है, देख रहे हो। ये देखो खेलने का स्टाइल भी अलग होता है, वो देखो हाँ ले ले फाइनली जीत गई ना, तो वो छोड़ के गई है इसलिए जीती है तू, नहीं तो नहीं जीत पाती तू, समझ रही है मेरी बात, हाँ समझ रही है आ गई उसका छीनने, वो देखो छीन लिया देख रहे हो, वो छीन के वापस ले गई, अपनी डोमिनेंस दिखा रही है, तेरे से तो बड़ी हूँ मैं, वो देखो ओए होए होए। ये देखो आपस में रोशनी कह रही है मत लड़ो मुझे भी खिला लो, मैं भी तुम्हारे पैक का एक पार्ट हूँ ये कह रहे चले चल हट जा साइड हो जा, हम आपस में खेल रहे हैं, तूने आना तो मुंह मार ले बीच में एक कूद लग जाती उसके अभी। ये देखो अब भी लग जाती उसके, ये मानते नहीं है आपस में, लगे रहते हैं खेलने के लिए। और थोड़ी दूर जाके वहाँ पर बैठ गई है दामिनी,
कह रही है बस बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा, तुम आपस में खेलो, मैं थक गई हूँ। सुबह सुबह का ये अपडेट है। ओए जीत गए। अबे एक बार उसको दे तो फेयर चांस, उसको फेयर चांस ही नहीं दे रही है जोई। चलो जी फेयर चांस मिल गया, टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है। अब ये फिर दोबारा पेड़ को छीलेंगे। ये लेके आ गई फाइनली जोई, देखो वहाँ पे अपना अलग छीन रही है। ये जोई आएगी अभी इसके मुंह से छीनेगी, ये देख लो। इनका आपस में यही रहता है कि कौन विनर है कौन लूज़र है, और साथ में रोशनी को बेचारों को ये दबा देते हैं, देख रहे हो आप। बस चलो जी, चलो ये तो ड्रामा चलता ही रहेगा। आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर, अंदर का हाल दिखाते हैं घर में क्या चल रहा है। और यहाँ सुबह सुबह ये निकल आई है अपना पीछे का दरवाजा खोल के बाहर, पता नहीं क्या सूंघ रही है। और ना इसके कानों की फॉर्मेशन देखो आप, बिल्कुल लेडी ऑली है। ए चला क्लोडो, चलो अंदर चलो। ये देखो नहीं सुन रही, बाहर मत जा, बाहर मत जा, चलो खाना खाए चलो। इन्होंने देख लो बाहर का ना इतना गंदा हाल कर दिया, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ये देखो कितना बुरा हाल है, ये एक नंबर बना दिया इन्होंने अपने खाने से। ये टॉयलेट नहीं है, पर ये देखो यहाँ पे लॉन्ग कन्फाइनमेंट है ना, फिर भी आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गए तो इन्होंने पॉटी शॉटी यहीं पर कर दी है। और मैं कैमरे में दिखाना नहीं चाहता बट क्या करें, आपको तो हम रियलिटी दिखाते हैं। ये लो सारे के सारे चिपड़ गए इसके। ये लो ये लोग दोनों के दोनों ना उसको छोड़ ही नहीं रहे। बब्जी ने फिर पकड़ लिया, बब्जी भी आ गया अपने स्पोर्ट्स के अंदर, फीफा खेलेगा। ये लो गुस्सा कर रहा, ये लो क्या कर रहे हो तुम, ओए क्या है क्लोडो, वो सूतती रहती है इसके ऊपर। अब यहाँ पे खाना डाल रहा है और खाने में आज फाइनली नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं तो इसमें अंडा चावल और साथ में दही डल रही है। सुबह सुबह पहले थोड़ा थोड़ा दियो, वेस्ट मत करियो सारा का सारा, थोड़ा थोड़ा दियो। हाँ ये देखो कैसे गठरे निकाल निकाल के डालता है, पहले पानी मिलाना पड़ता है इसमें थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत ड्राई दे रहा है इसे, है ऊपर से मिलाता हूं। हाँ ऊपर से मिलाएगा फिर वो पानी पानी हो जाएगा। नहीं मैं मिक्स कर दूँगा। ठीक है। और यहाँ हमारी ब्लू आई डीमन अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाना चाहती है और मैं इनको ले जा रहा हूँ, बट इसको नहीं लेके जा रहा। मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा खुद भी घूमते हैं। इसे बब्जी और लेडी वाली की बात हो रही है, है? तो ऑफिस के अंदर देख लो क्या सीन है, पूरा ऑफिस खाली हो गया और एसी के अंदर ये भाग रहे थे। क्या हुआ इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ है? और ये देख लो ये दे रहे, ये जा रहे हैं, चलो अंदर सीधा अंदर, देख रहे हो। नहीं इसको नहीं ले जाना, इसकी ट्रेनिंग है आज। ये देख लो और दूर से आपको दामिनी दिख रही है, ये रही बैठी हुई रोशनी। पता नहीं क्या हुआ, दिशु अपने कपड़े साफ करने लग गया है नीचे। क्या हुआ दिशु, बाथरूम का छींटा आ गया मुंह पे, किसका, बब्जी का? भाग गया अंदर। और ये देख लो ऊपर ना ये सन्नी के साथ खेल रही है कि मुझे भी नीचे भेज दो, मुझे भी नीचे भेज दो, पर सन्नी कह रहा नहीं तू जब तक मुझे काटेगी नहीं बड़े होके तब तक। वो देखो वहाँ से, मैं आज आपको यहाँ से शूटिंग दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारा सामने पार्क है और ये रहा दिशु, और ये देख लो ये मस्ती मार रहे हैं दोपहर को सारे के सारे। और इनके पीछे पीछे कौन कौन सी सेना आ रही है वो देख लो, ब्रो सेना आ गई ना, ब्रो सेना इनकी। ये देखो ओए ओए ओए, वो देखो वो बब्जी आपको दिख रहा है, ये लो बब्जी, ये लो ये अपना पेड़ के साथ लग गया, देख रहे हो पेड़ के साथ लग गया ये, और साथ में रोशनी। और यहाँ बाहर एकदम दामिनी आ गई है कि कुछ खाने को पड़ा है, वो पानी का बाउल खाली हो गया इसको भरना पड़ेगा। और दिशु देख लो किस स्टाइल से खड़ा है पेड़ के साथ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो ये रहा दिशु, क्या कर रहा है, ओ ओ, ओ बॉल फेचिंग हो रही है। दोपहर का टाइम है, धूप निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और ये पूरा पूरा हमारा हरियाली एटमॉस्फेयर है, पूरा देख लो हमने पूरा लॉन्ग कन्फाइनमेंट साफ कर दिया, पूरा का पूरा साफ। पानी का एक बाउल, दूसरा बाउल और तीसरा हमने ऊपर रख दिया, क्योंकि ये दोनों ना पानी मिलाएंगे और उसके अंदर ही लोग बोट हो जाएंगे। और अभी नीचे जाके मुझे इनके भरने हैं पानी के बाउल, एक दो ये खाली हो गए हैं। और वो देखो, हेलो दिशु, ये लो ये देखो यहाँ से हाई कर रहा है दिशु, हेलो, देख रहे हो आप, बड़ा मस्ती आ रही है। और ये कौन आया भागता हुआ, ओह ये देखो। अरे मैं पार्क में नहीं जा रहा, मेरा ऑफिस का ना
इंटरनेट ख़राब कर दिया है हमारी लेडी ऑली ने। मॉडम लटका हुआ था, उसकी तारें लटकी हुई थी, उसके ऊपर उसने कूद मारी मॉडम के साथ, और अब मॉडम टूट के ना साइड पे पड़ा हुआ है, तो ऑफिस का काम हो गया था। एंड ये व्लॉग के अंदर मैं कमेंट सेक्शन नहीं ले रहा हूँ, ये व्लॉग सिर्फ 10 या 12 मिनट का ही रखेंगे हम। और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, आई नो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, बट आप मुझे सजेस्ट करो। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे ना बात करना चाहते हैं और मैं कभी कभी लाइव नहीं आ पाता, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि मैं सुबह का व्लॉग 10 से 12 15 मिनट का डाल दूं और एक शाम को कमेंट सेक्शन डाल दूं। मतलब अगर हम शाम को 6:15 व्लॉग डालते हैं, कमेंट सेक्शन हम अगले दिन सुबह 9 बजे डाल दें, ठीक है? 9 से 9 की साइकिल चला लेंगे। सुबह 9 बजे नहीं, सुबह 9 बजे नहीं, टाइम बताओ क्या करें। आज कमेंट सेक्शन 100 कमेंट्स हैं, मुझे लेने तो पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, यार आप इतनी मेहनत करके लिखते हो तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं आपका जवाब दूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता सही बताऊँ। और पहले ये हो जाता था कि यार छोटा सा व्लॉग है, आप इतने सारे कमेंट्स ले लेते हो, तो आज से हम क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन अलग लेंगे, ठीक है, और व्लॉग अलग रहेगा। मेरा ये सोच रहा हूँ कि अब टाइमिंग हम ऐसे कर देते हैं, 5:15 बजे का व्लॉग कर देते हैं फिक्स, और कमेंट सेक्शन शुरू कर देते हैं रात को 8:30 या 9 बजे। अगर आपको लगता है ठीक है तो कमेंट जरूर करना, आपके सबके कमेंट्स लिए जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं कोई कमेंट सेक्शन अलग होगा, जिसने पढ़ना है बात करनी है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये हम एक हफ़्ता करके देखते हैं कैसा लगता है, अगर नहीं तो दोबारा ज्वाइन कर देंगे हफ्ते में 2 या 3 दिन। बट काफ़ी लोग कह रहे थे यार वी मिस टॉकिंग टू यू, वैसे तो हम बात कर नहीं पाते, बट कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आप ब्लॉग देखते हो और उसके नीचे इतना बड़ा चीज़ लिखते हो, तो वो आपका टाइम लेता है, आपकी मेहनत लेता है, आपकी एनर्जी लेता है, और मैं वो वेस्ट नहीं करना चाहता। जिन लोगों को कमेंट्स पढ़ने का मन है, मेरे साथ बात करने का मन है, वो रात को 9 बजे देख सकते हैं, बाकी 5:15 बजे व्लॉग आज आ जाएगा। आज ये व्लॉग छोटा है बड़ा है मुझे नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, इसको हम सीधा एडिट करेंगे अब और आपको परोस देंगे 5:15 बजे। 5:15 बजे व्लॉग का टाइम फिक्स हो गया, और कमेंट सेक्शन का टाइम आप मुझे बताओ 5:15 बजे करके, क्योंकि उसके बाद कमेंट्स जैसे ही आपके आने शुरू हो जाएंगे उस हिसाब से मैं आज पहला टाइम शुरू कर दूँगा, कमेंट्स लेंगे ही 2 वीडियोस, ठीक है, मज़ा आएगा।